तो जेम्स कैमरन की अवतार वे ऑफ द वॉटर के VFX एवेंजर्स एंड गेम से भी बेटर है। मैं नहीं कह रहा, कैमरन साहब ने खुद कहा था कि जो थानोस का CGI था एंड गेम में वो मेरी पिक्चर के VFX के सामने कुछ भी नहीं लगता। और देखो वो सब तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आप पिक्चर देखने चाहते हो तो कुछ चीजें हैं जो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम मूवी के सिनॉप्सिस से शुरू करें, वैसे तो कोई भी स्पॉइलर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि कहीं कहीं स्पॉइलर हो सकते हैं तो देख लेना अपने हिसाब से। तो अवतार वे ऑफ द वॉटर कहानी है जेक सली और उसकी वाइफ नेटेरी की, जो फर्स्ट पार्ट में अपने जंगल को बचाने के बाद अब सेकंड पार्ट में उसी जंगल में रह रहे हैं, लेकिन उसके कुछ सालों बाद उनकी फैमिली बन चुकी है, बच्चे बच्चे हो चुके हैं। एंड जिस मोमेंट उनको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तभी एक बार फिर से खतरा उनके सिर पे मंडराने लगता है। अब वो क्या है, क्यों है, ये सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो अगर इस बारे में बात करी जाए कि आखिरकार ये मूवी है क्या चीज, तो देखो मैं इसको बहुत ही कम शब्दों में बस ये कहूंगा कि ये मूवी एक विजुअल और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। अगर आपको इसको देखना है ना, तो इसका पूरा मजा जो है वो थिएटर में आ सकता है। मतलब चेयर पे बैठो, 3D चश्मा लगाओ और बस खो जाओ। अवतार के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि पैंडोरा का वर्ल्ड एक्चुअली में कितना ज्यादा डीप है, और अवतार वे ऑफ द वॉटर उस पूरे यूनिवर्स, उस पूरे वर्ल्ड को और भी ज्यादा एक्सपैंड करती है। इस पूरी मूवी को देखकर ये बात बहुत अच्छे से समझ पे आती है कि जेम्स कैमरन ने उस मूवी पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये समझ पे आता है कि उन्होंने इस मूवी के लिए रिसर्च कितनी करी होगी। मतलब जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने पैंडोरा का जंगल एक्सप्लोर होते हुए देखा था कि कैसे पेड़ होते हैं, फिर कैसे उनका जो ट्री ऑफ सोल्स था वो सब चीजें कैसे काम करती है, और नावीस की जो ओमाटिका या क्लैन है वो कैसे काम करती है, मतलब जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग है वो। लेकिन मूवी लोकेशन को कम्प्लीटली चेंज करने के साथ साथ लोगों को भी बदल देती है। इस मूवी में हम ओमाटिकाय के बजाय मेटकाइना क्लान को देखते हैं, जो सी पीपल है, मतलब जो समुद्र पे रहते हैं, फिशिंग करते हैं, और ऐसे बोलने में बहुत आसान लगता है कि इन लोगों ने लोकेशन को चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप इस मूवी को देखते हो तो आपको रियलाइज होता है कि सिर्फ लोकेशन चेंज नहीं हुई है, मतलब क्योंकि वो लोग फॉरेस्ट में ना रहकर पानी पे रहते हैं, तो उनकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है पानी पे रहने के लिए। और सिर्फ लोग नहीं, बल्कि वहां की वाइल्ड लाइफ, वहां का खाना पीना, वहां का रहन सहन, उन लोगों के रिचुअल्स, उन लोगों का हर एक चीज अलग है। और यही सारी छोटी छोटी चीजें जो है अवतार वे ऑफ द वॉटर के यूनिवर्स को और भी ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करती हैं। फिर इसके बाद जैसा मैंने पहले भी कहा कि मूवी एक विजुअल स्पेक्टिकल है। अगर आप थिएटर में बैठ के वो 3D वाले चश्मे लगाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप अवतार की दुनिया में पहुंच चुके हो। और जैसे फर्स्ट पार्ट में पूरा जंगल जंगल था, तो इस वाले में आप पानी के अंदर जाते हो, और जितने भी अंडर वाटर शॉट्स है ना, वो आपको ऐसा लगता है कि सच में पानी के अंदर। और उस पूरी दुनिया को, उस वर्ल्ड को एक सेंस ऑफ रियलिज्म के साथ एक बहुत ही प्यारी सी क्लैरिटी दी गई है, जिस कारण से आपको लगता है कि आप खुद ही गुड़गुड़ करके गोते लगा रहे हो। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद जो रात में वो चीजें इल्यूमिनेट होती हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था कि पानी के अंदर चीजें इल्यूमिनेट होती हैं, तो उस चीज का बहुत ही प्यारे तरीके से जेम्स कैमरन ने यूज किया एक बार फिर से। लेकिन अगर आप लोगों ने अवतार 1 देखी है, तो उससे हमेशा लोगों को एक ही कंप्लेंट रहती है कि मूवी में जो कंटेंट था, मतलब मूवी की जो स्टोरी थी, उसमें कुछ खास दम नहीं था। और अगर आप अवतार 2 में सोच के जा रहे हो कि नहीं, इसमें स्टोरी के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, तो आई फेल्ट कि मूवी उस एरिया में भी थोड़ा सा लैक करती है। मतलब स्टोरी के पर्सपेक्टिव से एक बार फिर से अवतार कमजोर पड़ जाती है। मूवी बेसिकली कहानी जेक और उसकी फैमिली की है, और ना कभी भी उससे आगे बढ़ ही नहीं पाती है। मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, मूवी में कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया गया है। मिस्टर एंड मिसेस सली को तो हम पिछले पार्ट में देख ही चुके थे, लेकिन इसके बाद उसके जितने भी बच्चे हैं वो इस मूवी के लिए नए हैं, और हर एक बच्चे के साथ एक पर्सनल टच देने की कोशिश करी गई है, जो एक्चुअली में फील होता है। मतलब बच्चों के क्या इमोशंस हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनके साथ जो कुछ भी होता है, वो किसी के साथ भी कुछ भी करते हैं, तो सारी चीजें हमको अंदर तक लगती है। फिर इसमें एक एनिमल लव वाली चीज को भी इंक्लूड किया गया, तो ऐसे एनिमल लवर्स के लिए बहुत मजेदार चीज हो जाती है वो। फिर इसके बाद अगर मूवी के VFX पे बात करें, तो देखो मैंने पहले भी कहा कि मूवी के VFX बहुत बहुत ज्यादा गॉर्जियस है, और मतलब आप खो जाओ, बिल्कुल लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी दुनिया में हो। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मैंने एट टाइम्स ऐसा एक्सपीरियंस किया कि VFX कुछ कुछ जगहों पे, मतलब बहुत थोड़ी सी जगहों पे इनकंसिस्टेंट हो रहे थे। जो पूरे नावी के और अवतार के ब्लू कलर के मॉडल्स है, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि एट टाइम्स ये VFX से बने हुए हैं, जो मैंने फर्स्ट मूवी में फील नहीं किया। जब देखी थी तो इतना छोटा था कि उसको एनालाइज नहीं कर पाया। लेकिन इस मूवी में स्पेशली क्लाइमैक्स के टाइम पर मैंने ऐसा फील किया कि वो जो अवतार के मॉडल्स थे वो सही तरीके से कुछ कुछ सीक्वेंसेस में रेंडर नहीं हुए थे, तो वो एक ऐसा लुक दे रहे थे कि हाँ ये नकली है और ये CGI से बना हुआ है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी विजुअल्स है, पानी के अंदर, पानी के बाहर, हर एक चीज, हर एक नई लोकेशन बहुत ज्यादा गॉर्जियस है। अगर आप इसको फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करके देखते हो, तो फर्स्ट पार्ट में जितने भी कैरेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो और ज्यादा बेहतर कर दिए गए हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट में आप इन अवतार्स के एंगर, फ्रस्ट्रेशन, खुशी, दुख, दर्द, हर एक चीज को महसूस कर सकते हो, उनके चेहरे पे दिखता है वो। लेकिन फिर भी अगर अच्छी और बुरी चीजें दोनों ही ट्रीट करनी होगी, तो सबसे पहले अच्छी चीजों से शुरू करते हैं। तो देखो यूनिवर्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, और इसके 3D इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस है भाई, मतलब मजा आ जाता है। फिर इसके बाद जेम्स कैमरन ने एक बहुत ही बढ़िया तरीके का वर्ल्ड बिल्ड करने की
कोशिश करी है, वो अपना खुद का यूनिवर्स बना रहे हैं और इस चीज को देखकर आप समझ पाते हो आने वाली जो चीजें हैं, कहानी को कैसे बिल्ड किया जा रहा है, कौन कहां कैसे फिट हो रहा है, वो सब चीजें देखकर मजा आता है और कुछ कुछ सवाल भी छोड़ जाती है मूवी। फिर इसके बाद मूवी रिलेशनशिप्स पे बात करती है, मूवी फैमिली के ऊपर बात करती है कि कैसे फैमिली को हमेशा एक साथ रहना चाहिए और टेक सली की लाइफ में क्या क्या चीजें अच्छी हो रही है और क्या क्या बुरी, ये चीजें हम पर्सनली फील करते हैं। फिर इसके बाद मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक ठाक है, मतलब जहां पर जो फील देनी चाहिए वो दे देता है। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूंगा कि फर्स्ट पार्ट से अच्छा है फर्स्ट पार्ट से बुरा है, दोनों काफी कुछ एक जैसे हैं। अवतार मूवी कभी भी अपने बैकग्राउंड स्कोर के लिए नहीं जानी जाती है, तो मतलब ठीक ठाक लगा मुझे। फिर इसके बाद मूवी में कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं, मतलब सच में पानी के अंदर जो सीक्वेंसेस क्राफ्ट करी हुई है वो बहुत ज्यादा मजेदार फील होती है। और जिस तरह से वहां की एक्वेटिक प्लांट लाइफ को, पानी के अंदर वाली लोकेशंस, वहां की लाइटिंग का यूज किया गया है, तो वो काबिले तारीफ है। फिर इसके बाद मूवी का मेन विलन, वो भी कुछ याद करने वाली चीज है, जैसे अवतार 1 का मेन विलन आपको हमेशा याद रहेगा, तो इस वाली पार्ट में भी है कुछ, मतलब वो याद रहेगा आपको। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये भी उतना ही ज्यादा हरामी लसन फील होता है, थोड़ा सा कम लेवल का है उससे, लेकिन मजा पूरा देगा। लेकिन इसके बाद कुछ बुरी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगी। सबसे पहले तो स्टोरी एक मुझे लगा कि थोड़ा सा वीक पॉइंट है, क्योंकि मूवी जेक सली और उसकी फैमिली के ऊपर बात करती है और कुछ चीजें फर्स्ट पार्ट जैसे रिपीटेटिव सी फील होती है, एंड इसी वजह से मूवी एट टाइम्स थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। फिर इसके बाद मूवी का रन टाइम, भाई मूवी 3 घंटे 10-15 मिनट की है, तो मतलब मूवी अच्छी खासी लंबी है और आपको फील होता है मूवी एकदम टाइट नहीं है, मतलब आपको ऐसा देख के नहीं लगेगा कि हाँ भाई एक भी सेकंड पता नहीं चला और एक भी मिनट पता नहीं चला। मूवी लंबी है और आपको पता लगता है कि हाँ मूवी लंबी है। तो कुल मिलाकर मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि अवतार 2 वे ऑफ द वाटर इज ऑल अबाउट विजुअल्स। ये मूवी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जब आप सीट पे बैठते हो, 3D चश्मे लगाते हो, तो आप इसकी दुनिया में खो जाते हो और इसको देख के समझ में आता है कि जेम्स कैमरन ने अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग पे कितना ज्यादा फोकस किया है। इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, लेकिन कैरेक्टर्स उतने ही ज्यादा लवेबल है। अगर आप उनको देखते हो तो आप उनके साथ कनेक्ट करते हो, रिलेट कर पाते हो और वो सारी चीजें देखने में मजेदार है। हाँ, मैं मानता हूं कि 3 घंटे 10 मिनट का रन टाइम कुछ कुछ लोगों को थोड़ा सा लंबा लग सकता है, लेकिन पैंडोरा की दुनिया है और अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाओगे देखने तो मतलब मजा आएगा। और हाँ, मूवी में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो एकदम बढ़िया अपने परिवार के साथ जाके देख लेना, प्लस थिएटर का एक्सपीरियंस है। 3D में देखो, मूवी थिएटर में देखने वाली है। अगर आप इसको थिएटर में ना देखकर OTT पे आने के लिए वेट कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ वेरी ह्यूज थिंग। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली तो मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। ये सांप खड़ा है और इधर नेवला, सांप ने भप करके नेवले को पूंछ से दबोच लिया, तो नेवले ने यूं करके सांप को पूंछ से दबोच लिया और यहां से सांप ने धीरे धीरे निगलना शुरू किया और यहां से नेवला धीरे धीरे सांप को निगलने लगा। अब निगलते 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 गायब, किधर गए दोनों? गायब। सांप किधर गए? उसको नेवला निगल गया। फिर नेवले? उसको सांप निगल गया। दोनों गायब हो गए। अब बच्चा का? बच्चा वो सांप है।